जम्मू में सामाजिक दायित्व निभाते हुए एनजीओ थर्ड आई एंटी क्राइम टीम ने अरनिया गांव से रहने वाले गरीब परिवार की बेटी की शादी के लिए सहायक राशन उपलब्ध करवाया। संस्था के चेयरमैन श्यामलाल गुप्ता का कहना है कि बेटी बहुत ही गरीब परिवार से है जिसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है और वह एनजीओ थर्ड आई एंटी क्राइम टीम के पास इस आज से आई थी कि एनजीओ एंटी क्राइम टीम उन्हें सामान उपलब्ध करवाए और उसकी शादी के लिए उनकी मदद करे और उसकी परेशानियों को देखते हुए एनजीओ एंटी क्राइम टीम द्वारा उसकी शादी के लिए राशन उपलब्ध करवाया गया। परिवार में भाई बहन का कहना था कि न ही स्थानीय विधायक और न ही किसी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने उनकी मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाया। एंटी क्राइम टीम संस्था ने उनकी इतनी मदद की है जिसके लिए वो उनका आभार व्यक्त करते हैं। वही गांव के लोगों ने एनजीओ एंटी क्राइम टीम के कार्यों की जमकर प्रशंसा की और कहा कि ऐसे एनजीओ अगर समाज में हो तो किसी भी वेलफेयर डिपार्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही किसी विधायक के आगे हाथ फैलाने पड़ेंगे। हमारी एनजीओ थर्ड आई एंटी क्राइम टीम एक गरीब परिवार की बच्ची को जो हर्निया से बिलोंग करती है उनको शादी का सामान दे रहे हैं। जितनी भी इनकी रिक्वायरमेंट थी हम उससे ज़्यादा इनको सामान जो प्रोवाइड कर रहे हैं और इस गरीब परिवार की बच्ची के माता पिता का स्वर्गवास हो चुका है और ये जो सामान हमने इकट्ठा किया है ये सब सोशल मीडिया के द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डालकर दानी दाताओं ने हमें दान दिया है। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और जहाँ पर आए हुए चीफ गेस्ट जो हमारे श्री डिप्टी एसपी श्री सुरेंद्र चौधरी जी हैं मैं उनका भी स्वागत करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं जो हमें दिन ब दिन उत्साह देते रहते हैं और एसएचओ बिश्ना सरदार प्रतपाल सिंह का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू। जय हिंद। जब थर्ड एनजीओ थर्ड फ्रंट आई ने एक गरीब परिवार की लड़की जो कि अरनिया के रहने वाली है उसकी शादी के लिए यहाँ पे सामान इकट्ठा किया है और इसी सिलसिले में हम सारे यहाँ पे आए हैं। थर्ड एनजीओ का ये जो काज है गरीब परिवारों की मदद का ये वैसे भी दिल को छू लेता है और ये बड़ा ही अच्छा काज है। मैं विश करता हूँ, दुआ करता हूँ कि थर्ड एनजीओ इसी तरह दिन प्रतिदिन गरीब परिवारों की मदद करती जाए और गरीब परिवारों का मदद करके अपना भी नाम ऊंचा करे और समाज में अच्छे कार्य करें।